दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर करने के बाद भारतीय दिग्गजों का भी गुस्सा फूट चुका है और यहाँ तक कि दोस्तों धोनी, युवराज, रैना, गंभीर जैसे दिग्गज भी अब इस लड़ाई में कूद गए हैं सूर्य कुमार यादव का बचाव करने के लिए। आखिरकार बीसीसीआई पर भड़कते हुए इन सभी दिग्गजों ने क्या कहा, दोस्तों सभी के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर करना चाहिए था या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, साल 2022 का अंत चल रहा है और इस अंतिम महीने में हमारी भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश पहुंच भी चुकी है। आपको बता दें, बांग्लादेशी टीम के साथ हमें 3 मैचों की वनडे यानी कि 50 ओवर की सीरीज खेलनी और फिर 2 मैचों की एक रोमांचक टेस्ट सीरीज भी होगी न्यू ईयर से पहले। लेकिन दोस्तों, गौर फरमाने की बात यह है कि साल 2023 पूरी तरीके से वनडे क्रिकेट से भरा हुआ है। अब हर टीम चाहती है कि भारत में होने वाले 2023 के वर्ल्ड कप से पहले हर एक खिलाड़ी को तराशा जाए, भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खिलाया जाए ताकि दोस्तों कंडीशन से लेकर वो खिलाड़ियों को भांप सके। और जाहिर सी बात है, भारतीय क्रिकेट टीम को भी यही करना चाहिए, अपने मुख्य खिलाड़ियों को तराशना चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौके देने चाहिए ताकि वो हर टीम के खिलाफ हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार बना सके। लेकिन बीसीसीआई तो हमेशा उल्टे कदम चलती है और उनकी आदत लगता है कि बद से बदतर हो गई, क्योंकि उन्होंने टीम से एक ऐसे खिलाड़ी को निकालने का फैसला किया जिसके बचाव में, जिसके पक्ष में तो दोस्तों अब दिग्गज भी आ खड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने ओडीआई में कई मील के पत्थर गाड़ दिए हैं। उनकी तेज तरार बल्लेबाजी उन्हें ओडीआई में भी एक खास बल्लेबाज बनाएगी, लेकिन वक्त के साथ माना कि आंकड़े बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों 16 मैचेस में ये खिलाड़ी लगभग 400 रन बना चुका है, जो उतने ज्यादा बुरे भी नहीं, और अगर इन्हें मौका मिलेगा तो T20 की तरह वनडे में भी ये टीम की शान बढ़ाएंगे। परंतु वो क्या है जो बीसीसीआई को दोस्तों सूर्य को मौके देने से रोक रहा है, वो तो वही जाने। लेकिन बीसीसीआई के इस अटपटे फैसले पर अब भारतीय दिग्गज बुरी तरीके से भड़क गए हैं और आखिरकार किसने क्या कहा है, चलिए आपको उनके बयान का वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने सूर्य कुमार यादव का बीच बचाव करते हुए कहा, सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर ओडीआई में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जम गए तो मिडिल ऑर्डर का जो कमर का दर्द है वो जिंदगी भर के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का दूर हो जाएगा। वाकई में इस समय में मिडिल ऑर्डर में एक सूर्य कुमार यादव जैसे तराशे हुए बैट्समैन की जरूरत है, लेकिन हाँ, उन्हें T20 से ODI की फॉर्म को भी भांपना होगा और वो तभी हो पाएगा जब उन्हें लगातार मौके मिलेंगे। मेरे नजरिए से तो 2023 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले हर एक वनडे मैच में सूर्य को मौका मिलना चाहिए, यह सरासर गलत फैसला है। दोस्तों, वहीं युवराज सिंह ने भी सूर्य के लिए लिखा, बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि आप टीम का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत शौक हूँ, क्योंकि अगर आप टीम का हिस्सा होते तो मिडिल ऑर्डर मजबूत होता, और मिडिल ऑर्डर मजबूत होता तो ज्यादा से ज्यादा रन बनने के चांसेस थे। उम्मीद है आपको लाने की प्रतिक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। तो वही दोस्तों, सुरेश रैना तक ने सूर्य कुमार यादव के लिए कहा, सूर्य आप जैसा बल्लेबाज आज तक नहीं देखा, लेकिन T20 के साथ साथ अब आपको वनडे में भी भारत की जिम्मेदारी संभालनी होगी और मुझे लगता है कि बीसीसीआई भी आपका साथ देगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये टीम से बाहर करने का फैसला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो वही दोस्तों, बीसीसीआई की सरकत पर तो गौतम गंभीर भी भड़क गए हैं। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव का साथ देते हुए पहली बार गंभीर ने कहा, सूर्य कुमार यादव आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे जितने ज्यादा मौके दिए जाएं उतने कम होंगे। आप मिडिल ऑर्डर के भार को संभालते हैं और इसे हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप वनडे में अच्छा करना चाहते हैं, फिर भी आपका मौके दिए नहीं जा रहे। बीसीसीआई की क्या मजबूरियां है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका मौका ना देकर वो सरासर गलती अपने साथ कर रहे हैं और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दोस्तों, हर कोई सूर्य कुमार यादव के बचाव में खड़ा है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव को वाकई में टीम में खिलाना चाहिए था या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।